PostgreSQL डेटा टाइप्स इन डिटेल, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसकी जितनी डेटा टाइप्स है उसको हम जरा डिटेल में देखेंगे। ये मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर इसकी जो मेजर डेटा टाइप्स हैं वो मैंने ओपन की हुई हैं। इसमें बॉलीन है, करेक्टर है, न्यूमेरिक है, फिर टेम्पोरल टाइप्स, उसमें डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, इंटरवल, फिर UUID, ये भी एक यूनिक किस्म की टाइप है इसकी। फिर अरे भी स्टोर करता है, ये भी इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। फिर जेसन स्टोर भी, ये जेसन डाटा भी अपने मतलब टेबल के अंदर स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक टाइप रखता है ऐसे इसे। और एच स्टोर, ये भी एक की वैल्यू पेयर की शक्ल में भी ये डाटा स्टोर करता है। मतलब ये इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं डाटा टाइप्स के हवाले से नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस के अंदर नहीं पाए जा रहे होते। तो इस हवाले से PostgreSQL काफी पॉपुलर भी है और काफी यूनिक भी। तो फर्दर इसको अगर आप देखें, जब आप क्रिएट करने जा रहे होते हैं अपना टेबल और कॉलम या डेटा टाइप, तो उसमें आपको ये डिटेल ओरिएंटेड मिलेगी चीजें। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ, क्रिएट कॉलम, किसी टेबल के अंदर वो कॉलम क्रिएट करने के लिए आप जब इसके ऊपर कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट कॉलम भी बताते हैं, तो ये आपका एक छोटा सा एक आपको व्यू देता है। उस व्यू के अंदर आपको जो यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स मिलेंगी उसकी काफी ह्यूज लिस्ट है। उसने क्या किया है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है ना उसकी डिटेल ओरिएंटेड लिस्ट एक प्रोवाइड कर देता है। इसमें आप इंट की पूरी डिटेल देख सकते हैं, बॉलीन की देख सकते हैं, बॉलीन है, फिर बॉलीन अरे की शक्ल में है, बॉक्स है, वही सारी। और इसकी फर्दर जो मेन जो इसकी आपको डिटेल मिलेगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर। और ये ओवरव्यू एक करने के लिए जो है ना हम इसे ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ये काफी डिटेल ओरिएंटेड है। और इसमें ऐसे ऑप्शन हैं जो कि नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपको नहीं मिलेंगे।